यू विल बी फाइन, रीस्टार्ट, कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करना है। और जैसा मैंने कहा, अजात शत्रु का बेटा उदायन हुआ। उदायन ने क्या किया? उदायन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। तो ये भी पितृहंता है, पर क्वेश्चन के रूप में ये हाईलाइट नहीं होगा, हाईलाइट होगा अजात शत्रु। लेकिन जब ये पूछे किस वंश को पितृहंता कहा गया है, हर्यक डायनेस्टी, उदायन ने क्या किया? उदायन ने जो पाटलीग्राम सैनिक छावनी कैंटोनमेंट था उसको डेवलप करके कैपिटल बना दिया। सो नाउ इन द टाइम ऑफ उदायन, पाटलिपुत्र बिकम कैपिटल एस्टैब्लिश्ड बाय उदायन। तो एज ए कैपिटल पाटलिपुत्र एस्टैब्लिश्ड बाय उदायन, एज ए कैंटोनमेंट पाटलीग्राम एस्टैब्लिश्ड बाय अज्ञात शत्रु। तो उदायन पाटलिपुत्र राजधानी बसाए, ग्रीवरज कैपिटल ना हो क्या, कहा हो गया पाटलिपुत्र। अभी जो पाटलिपुत्र कैपिटल है, दैट इज सराउंडेड फ्रॉम थ्री साइड रिवर, गंगा, गंडक एंड सोन रिवर। तो पटना जो है आज एट प्रेजेंट, पटना वो क्या है, तीन नदियों से घिरा हुआ है। एक तो गंगा नदी, फिर दूसरा गंडक नदी और तीसरी इधर से सोन नदी। तो तीन नदियों से, इसलिए पटना को उस टाइम के हिसाब से पाटलिपुत्र को क्या कहते थे, जल दुर्ग, वाटर फोर्ट। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो पाटलिपुत्र है ध्यान देंगे, सबसे पहले इसका नाम था क्या, पुष्पपुर, पुष्पपुर। समय बदला नाम कुसुमपुर, ठीक है, आज भी कुसमाही जगह है, कुसमाही जगह है, तो कुसुमपुर, पुष्पपुर, कुसुमपुर दो हो गए। तीसरा नाम पड़ा पाटलीग्राम, चौथा नाम पाटलिपुत्र, चार हो गए। अब इसका नाम होगा पाली ब्रोथा, नाम तो नहीं बदलेगा, लेकिन जब फाहियान आएगा पाटलिपुत्र तो वो जो प्रोनाउंसिएशन करेगा पाली ब्रोथा, तो ये हो गया, पांच नाम हो गए। छठा, समय बदलेगा और देखते हैं हम, शेरशाह सूरी आएगा और इसका नाम रखेगा पटना, फिर शेरशाह सूरी का वंश जाएगा, वो तो बिहार का कैपिटल भी पटना को बनाया अपने स्टेट के तहत, तो पटना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जब मुगल बादशाह होंगे तो उसमें क्या है ना, बहादुर शाह, तो वो वहां का गवर्नर था, तो उसने उसका नाम अपने नाम पर रखा, अजीमुशान के नाम पर अजीमाबाद। तो पटना का एक नाम अजीमाबाद, और फिर से आज क्या है, पटना। यात्रा देखा आपने, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, ठीक है ना, पटना पांच, छठा पाली ब्रोथा तो वही था, और फिर अजीमाबाद, और फिर पटना। तो ये ध्यान रखना, ये पटना, तो उदायन हो गया। अब उदायन के बाद जो है अनिरुद्ध नाम का राजा होता है, अनिरुद्ध, कोई इशू नहीं है, हुआ। उसके बाद जो है राजा होता है एक और, ठीक है, अनिरुद्ध के बाद होता है मुंड, मुंड राजा भी हुआ, और मुंड के बाद होता है नागदशक, बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, छठा आखिरी राजा हर्यक डायनेस्टी का नागदशक, वो गद्दी पर बैठा। और 412 बीसी के आसपास इसका जो मंत्री था, मंत्री को जनरली कहते थे अमात्य, वो ब्राह्मण जाति का था और नाम था उसका जो है शिशुनाग। तो शिशुनाग नाम के ब्राह्मण मंत्री अमात्य ने नागदशक की हत्या करके अपने नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना कर, अब हो गया शिशुनाग वंश। 412 बीसी से लेकर 345 कहीं 344 बीसी तक रूल किया, और इस वंश में तीन बड़े शासकों का जिक्र होगा, शिशुनाग, उसका बेटा कालाशोक जिसको साबक मीर भी कह देते हैं, कालाशोक, और उसका बेटा एक आएगा जिसका नाम होगा आपका नंदीवर्धन। तो ये तीन, अब आइए शिशुनाग वंश में। तो शिशुनाग वंश 412 बीसी से लेकर आ गया आपका 344 बीसी,
शिशुनाल ब्राह्मण वंश का था, अमात्य था, अपने राजा नागदशक की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। अब ये गद्दी पर बैठा तो कब से कब शासन किया, 412 बीसी से 345 बीसी तक तो शासन चला पूरे डायनेस्टी का। इसका शासन तो 412 to 393 यानी लगभग 7 साल और 12 साल यानी लगभग 19 वर्षों तक इसने शासन किया। शासन के क्रम में इसने क्या किया, कैपिटल को ट्रांसफर करके कहां लाया, वैशाली। ही वॉज बिलोंग फ्रॉम वैशाली, ये वैशाली का ब्राह्मण था इसलिए वो राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले आया, यानी गंगा के दक्षिण से उठा के गंगा के उत्तर में ले आया, अपने गृह राज्य वैशाली ले आया। एक पॉइंट क्लियर। शिशुनाग ने क्या किया, तो उज्जैन को जीता, वत्स को जीता, कौशाम्बी जीता, अपने राज को और आगे बढ़ाया। तो ये चीज है, ठीक है, याद रखना। अब आइए शिशुनाग के बाद देखते हैं हम। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र हुआ कालाशोक। कालाशोक को लोग सावक मीर भी कहते हैं, कभी कभी इसको भी काकवर्ण कह देते हैं, ये भी थोड़ा काला था, बिहार से था, तो कालाशोक ध्यान में रखना है। एक्चुअली इसका नाम भी अशोक था, देखने में काला था तो कालाशोक नाम पड़ा, ऐसा कहते हैं, तो कालाशोक। तो राजधानी इसने क्या किया, फिर से पिता तो जो है शिशुनाग राजधानी ले आया वैशाली, अब इसने क्या किया, दो दो राजधानी रख दी, एक वैशाली को बनाया और एक पाटलिपुत्र को बनाया, तो दो दो कैपिटल रखा, तो पाटलिपुत्र को ट्रांसफर किया और वैशाली भी रहने दिया। ये चीज है। अब इसके समय क्या होता है देखते हैं। और एसी तो ये कब से कब रूल करता है, 394 बीसी से 361 बीसी के आसपास ये रूल करता है। तो चलिए एक पॉइंट, ये इसके समय क्या होता है, कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है 383 में, और वो वैशाली में ही बौद्ध संगति का आयोजन करवा, जबकि अजात शत्रु के समय गौतम बुद्ध मरे थे तो पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में जो हुई थी राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। अजात शत्रु जो थे स्पॉन्सर थे, एज ए किंग तो स्पॉन्सर थे। और यो सेकेंड जो हुई जस्ट आफ्टर 100 इयर्स लेटर 383 बीसी एट वैशाली, स्पॉन्सर्ड किंग वॉज कालाशोक। ये बौद्ध संगति का आयोजन। अब आइए पहले में तो ठीक है जो हुआ सो हुआ, पहले में आपका क्या होता है, दो किताबें लिखी जाती है बौद्ध धर्म की, तो हम आगे बात करेंगे। अब आ जाइए, अब सवाल उठता है कालाशोक के बाद एक अंतिम राजा हुआ नंदीवर्धन। नंदीवर्धन रूल कर रहा है और समय जो है लगभग 344-45 का, 345-44 का है बीसी का। नंदीवर्धन का हत्या हो जाती है और हत्या करने के बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है महापदम नंद, वो गद्दी पर विराजमान होता है और नंद वंश शुरू होता है, नंद डायनेस्टी शुरू हो जाता है। ये नंद डायनेस्टी 344 बीसी से 322 बीसी यानी 22 वर्षों का शासन है और 22 वर्षों में 9 किंग्स रूल करेगा, 9 राजा। जरा समझिए, 9 राजा में एक बाप होगा महापदम नंद और उसके 8 पुत्र बारी बारी से शासन करेंगे और आखिरी में धननंद यानी घनानंद शासन करेगा। तो एक बाप और 8 उसके पुत्र मिलके 9 राजा यहां शासन करेंगे विद इन 22 ईयर्स, यानी 1.5 साल का देखा जाए तो 9 राजा 9 × 18 लगभग 2.5 साल का एवरेज पड़ा, कितना मार काट हुआ होगा वो समझिए। तो हम बात करते हैं अब नंद वंश की। कहानी ऐसी है कि नंदीवर्धन जो राजा था उसकी जो पत्नी थी महल में आने वाले एक नाई जाति के व्यक्ति से रिलेशन में थी और उससे जो है देखते एक बच्चा पैदा हुआ था, कहने के लिए तो वो नंदीवर्धन का बच्चा हुआ लेकिन कहीं ना कहीं वो नाई जाति से रिलेटेड बच्चा था। समय बदला और वो अपने को साबित करने के लिए भाई हम इसी खानदान से, गद्दी हमें मिले, और वो वॉर पे उतर आया और षड्यंत्र वगैरह करके सबको मार के जहर वहर दे के मार के वो गद्दी हासिल कर लिया, ऐसी कहानी है।
तो याद रखने की चीज है कि नंदीवर्धन की हत्या करके उसी का एक नाजायज पुत्र, ऐसे समझ लीजिए, पुत्र जो है क्या किया, गद्दी हासिल कर लिया। ये नाई जाति का था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी तथाकथित, मैं इतिहास बोल रहा हूं पढ़ा रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है, मजबूरी है, पर कोई इस चीज को दिल पर नहीं लेंगे, मैं माफी चाहूंगा पहले ही। तो भारतीय इतिहास में पहली बार क्षत्रियों को चुनौती मिली और एक सामान्य जाति का, नाई जाति का व्यक्ति गद्दी पर आया और राज्य संचालित किया। तो पहली बार कोई जो है व्यक्ति जो गैर क्षत्रिय था वो गद्दी पर आया। ये था नंद वंश, फाउंडर महापद्मनम। तो ये ध्यान रखें। अब आइए, महापद्मनम 344 बीसी में गद्दी पर आ गया, कुछ साल शासन किया, लेकिन कब तक किया ये कहीं इतिहास में जिक्र नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सारे बेटे एक दूसरे को मारते काटते गद्दी पर बैठते चले गए। लेकिन याद रखना, अंत तक कौन आया, धनानंद, जो धन का आनंद ले। संगम वंश के साहित्य में इस व्यक्ति का तमिलनाडु के पुस्तक में जिक्र है उस टाइम में कि धनानंद धन का बड़ा आनंद लेता था। 80 कोटी धन इसने गंगा के तलहटी में छुपा कर रखा था, ऐसी कहानी है। जो भी है चलिए, लेकिन एक्चुअल नाम इसके क्या हुआ, घनानंद। अब ध्यान दें, ये जो महापद्म नंद है, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, एक महापद्म नंद के दरबार में जो राज पुरोहित था वो ब्राह्मण चाणक्य था। बाकी के राज का में जो उसके बेटे लोग राज के, वहां भी महापद्मनंद से लेकर के घनानंद तक उसके दरबार में राज पुरोहित चाणक्य था। तो ये पॉइंट हो गया। अब सीधा घनानंद के पास आइए। घनानंद जब सत्ता पे है तो कब से सत्ता पे है इतिहास में कहीं नहीं जिक्र है, पर 322 बीसी तक वो रूल किया। कैपिटल पाटलिपुत्र को रखा, महापद्मनंद ने ही कैपिटल को पाटलिपुत्र रखा और घनानंद ने भी पाटलिपुत्र ही कैपिटल रखा। वहां नौ के दरबार में चाणक्य नाम का राज पुरोहित था। पॉइंट क्लियर। अब ध्यान दें, नाई जाति का रूलर है, ब्राह्मण है, कहीं ना कहीं होगा। महापद्मनंद आया सत्ता पे, ठीक है, और घनानंद जो आया तो उसके संदर्भ में देखिए, घनानंद ने अपनी 4.5 लाख फौज से पूरे भारत के क्षत्रियों को रौंद करके एक छत्र राज्य स्थापित किया, इसलिए इसको कहते हैं सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का आतंक, क्षत्रियों को अंत करने वाला छत्रांतक, ये आपका घनानंद। दूसरा, इसका दूसरा नाम देखेंगे हम, तो क्या होता है, भार्गव। भार्गव से क्या मतलब है, तो भार्गव मतलब ये हुआ आपका कि ये परशुराम की भांति है। तो महापद्मनंद, याद रखिएगा, महापद्मनंद भार्गव यानी परशुराम के समान है, ऐसी तुलना होती है। सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों को अंत करने वाला, ये उसका टाइटल है। अनुलंघित शासक, जिसके शासन का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, नोबडी कैन चैलेंज, अनुलंघित शासन या शासक, ये भी महापद्म का नाम है। और पुराणों में ये सब है, पुराण है ना, 18 पुराण है, तो पुराणों में, पुराण एक पौराणिक किताब है, उसमें यह जिक्र है, अनुलंघित शासक, छत्र सर्व छत्रांतक, और जैसे मैंने कहा भार्गव, ये सब महापद्म नंद के नाम है। और उसके दरबार से लेके घनानंद तक। अब घनानंद है जब, तो जरा गौर करना, घनानंद राजधानी वही पाटलिपुत्र, उसके दरबार में चाणक्य है, और दरबार में चाणक्य जो है तो ध्यान रखेंगे इस समय कौन है, ठीक इस समय सिकंदर भी है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर की कहानी बताऊंगा लेकिन पहले इसको समेट लेंगे। अलेक्जेंडर, घनानंद की राज की सीमा पश्चिमोत्तर भारत में व्यास नदी तक है, लगभग 4.5 लाख इसकी फौज है, और इसकी चर्चा यूनान के इतिहास में, ग्रीक हिस्ट्री में, रोमन हिस्ट्री में है। प्लूटार्क नाम का इतिहासकार, यूरोप का इतिहासकार, कहता है कि घनानंद ने अपने 4.5 लाख घुड़सवारों से पूरे भारत को रौंद करके अपना राज स्थापित किया और बहुत ताकतवर है। ये जिक्र है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर आइए। अगले पॉइंट पर ये बात बनती है कि क्यों चाणक्य ने इसके दरबार का त्याग किया। तो याद रखिए, नाई जाति का था, एक
फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्लास का एक टशल स्टार्ट होगा, नॉर्मल है। जब मिस्टर लालू प्रसाद गद्दी पर आए, जब हमारी मायावती गद्दी पर आई, जब मुलायम सिंह गद्दी पर आए, जब हमारे दलित लोग अब राजनीति में आए, सत्ता में आए, रूलर बने, जसलाई के पुराने हिसाब से राजा बने, तो विरोधाभास विकसित हुआ फॉरवर्ड में बैकवर्ड। काफी रस्सा कसी चली, सदियों के बदले की भावना भी लाई गई। तमिलनाडु में तो बदले की भावना से ही डीएमके और अन्ना डीएमके में काम चलता है, कभी लेफ्टिस्ट तो कभी कम्युनिस्ट तो कभी ये चलता है भारतीय राजनीति में, ये है, ये सब नहीं होना चाहिए, पर चलिए। तो वही हाल था, ये पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। जैसे मिस्टर मोदी जी आए तो बहुत सारी व्यवस्था को पलट दिए, बदल दिए, चाहे योजना आयोग हो, ये हो, वो हो, बड़ा तो पूरी व्यवस्था पलट दी। कांग्रेस का देखते हैं हालत क्या है, क्योंकि उसकी व्यवस्था बनाई हुई थी, उसने वो पेड़ लगाया, भले वो पेड़ अब फल नहीं दे रहा, फिर भी एक होता है ना, ये हमारा सिस्टम था, इसने बदल दिया, तो ये होता है। तो ध्यान में रखिएगा, सिस्टम जब बदलता है तो दिक्कत होती है, तो सिस्टम बदल रहा था, तो इसीलिए ब्राह्मण लोग नाराज थे और उसको जो है भाषा कौन देती, चाणक्य। और चाणक ने जो कहा तो राजा माना नहीं, क्षत्रियों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से चलता नहीं था, तो मतलब जो अनुशासन था राज्य का, नियम का, उसको तोड़ता था। तो उसने जो है देखा कि भाई अगर गैर संवैधानिक तरीके से चलेंगे तो वो तो बोलेगा तो ब्राह्मण है, वो तो विदुर है। तो उसने कहा, इस पर जो है क्या हो गया, विरोधाभास। तब चाणक ने शपथ लेते हुए ये ग्रह मतलब दरबार का त्याग कर दिया कि जब तक इस सत्ता को उखाड़ फेंक नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ब्राह्मणों को उस टाइम में मारा नहीं जाता था, ब्राह्मण हत्या का पाप लगता था, तो वो निकल लिए और निकल करके जहां गए वो बाद की कहानी है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा चाणक्य नाम के राज पुरोहित ब्राह्मण ने किसके दरबार का त्याग किया, घनानंद के दरबार का त्याग किया। तो चलिए घनानंद यहां तक आ गया। जब घनानंद मगध का शासक है, उसी वक्त सिकंदर का मिस्र पे, जॉर्डन पे, सीरिया पे, इराक पे, ईरान पे और भारत की सीमा के जो पश्चिमोत्तर सीमा वहां के 32 राज्यों पर हमला किया, जो तक्षशिला कहते हैं, जो पौरव राज का पोरस राजा की बात करते हैं, उन सब पर आक्रमण किया। लेकिन मगध में ना तो प्रवेश किया और ना मगध पे आक्रमण किया, प्लान किया पर हिम्मत नहीं थी, बैक हो गया। तो व्यास नदी को कभी भी क्रॉस नहीं किया, यानी नेवर क्रॉस व्यास रिवर, ये मतलब है। तो यहां तक ध्यान में रखिएगा धननंद तक। अब धननंद की जो हत्या क्या होगी, तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त नाम के व्यक्ति को पाल पोस के बड़ा करेगा, लिखाएगा, पढ़ाएगा, ट्रेनिंग देगा, जस्ट लाएंगे जो है, और फिर उसकी मदद से नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंक देगा और इस तरह से शासन खत्म करके मौर्य साम्राज्य की नींव डालेगा। तो ये याद रखना है धननंद के संदर्भ में, याद रखना है धननंद को, तीन, ये तीन पीढ़ी का जो जिक्र था वो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि कोट कर लीजिए, कोट करने के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। तो हरियक वंश, और हरियक वंश जो है 544 बीसी से 412 बीसी, एक पॉइंट ये हो गया बेटा। अब किंग में जो है, किंग का नाम है बिंबिसार, इसी को आप कहते हैं कुनी, इसी को कहते हैं आप श्रोणी, श्रोणी इसी को कह देते हैं काकवर्ण। ये जो है कब रूल किया, इसका टाइम देखें, इसके टाइम में आ जाइए 544 बीसी टू 493 बीसी, ये टाइम रूल करने का। अब आता है इसका कैपिटल, तो अब मगध की जो कैपिटल है वो है गिरिव्रज। गिरिव्रज को ही कहते हैं बेटा राज
ग्रह, इसी को कहते हैं राजगीर। लोकेट करेंगे तो सराउंडेड फ्रॉम फाइव हिल्स। पांच पहाड़ियों से घिरा था, पर्वत दूर था। दुर्ग का मतलब किला। अब अगला पॉइंट होता है फाउंडर ऑफ, फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर एंड ऑल्सो एंड हरियाणा। अब है विक्ट्री ऑन अंगराज। अंग यूज्ड एलिफेंट इन द बैटलफील्ड। तो एक तो देखा बेटा हर एक के लिए क्या है, किल्ड बाय सन, अजात शत्रु, कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध, महावीर चेतक याद रखिए। ठीक है, अब बिंबिसार कौन है? तो ये महावीर स्वामी का जीजा है। और याद रखिएगा बिंबिसार का चिकित्सक कौन है? जीवक। देखिए बेटा जो मैंने आपसे कहा वो लिख दिया। हर्यक वंश पूरा टाइम ये है। किंग पहला बिंबिसार जिसे कुनिक काले रंग का, शौनिक सौ पत्नियों वाला, काकवर्ण यानी काले रंग का था। इसका टाइम 544 बीसी से 493 बीसी है। कैपिटल इसका ग्रीवरज है जिसे ग्रीवरज, राजगीर, राजगृह कहते हैं, जो आज नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। सराउंडेड बाय फ्रॉम फाइव हिल्स पर्वत दूर। तो राजगृह जो है पांच पहाड़ियों से घिरा था, एक पर्वत दुर्ग कैशल के रूप में था। फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर कंसीडर बिंबिसार, ऑल्सो हर्यक वंश का फाउंडर तो बिंबिसार। विक्ट्री ऑन अंग, अंग को जीता। यूज एलिफेंट फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री टू यूज एलिफेंट इन बैटल फील्ड, तो ये आ गया। अब द किल्ड बाय सन, बिंबिसार अपने बेटे अजात शत्रु के द्वारा मारा जाता है। कंटेम्पररी, बिंबिसार के समय कौन कौन से लोग थे? गौतम बुद्ध भी थे, महावीर स्वामी भी थे, वैशाली का चीफ, नगर प्रमुख नहीं चीफ जो था वो कौन था? चेतक था। ये चेतक महावीर स्वामी का मामा है, अब ध्यान दें।
अब जो नीचे लिखा हुआ है ध्यान देना है। बिंबिसार के समय में वैशाली की एक खूबसूरत कन्या जो वैशाली की नगर वधु थी, गणिका प्रधान कह लीजिए, उस टाइम में जो नगर वधु चुनी जाती थी, जस्ट लाइक ए मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स चुनी जाती थी, तो वो अनमैरिड रहना पड़ता था और पूरे नगर के जो प्रमुख लोग थे उनके यहाँ बैठते थे, संगीत नृत्य होता था, आमोद प्रमोद होता था, एंटरटेन होता था, वो शादी नहीं कर सकती थी, एक तरह से देखिए वो सबके लिए एंटरटेनिंग हो जाती थी, याद रखिएगा। तो ये था आमोद प्रमोद होते, जैसे आज भी होता है, पहले गणिकाएं होती, गणिका से तवायफ हो गए, तवायफ से वो वेश्या हो गई, क्यों हुआ कि वो प्रोफेशन गिरता चला गया क्योंकि संरक्षक जो है कुछ और चाहते थे, तो ये चीजें जो भी है। तो याद रखना आम्रपाली का रिश्ता बिंबिसार के साथ था, आज भी तो बहुत के रिश्ते आप जानते हैं ये सब होते हैं, तो इतिहास गवाह है बेटा। तो आज भी देखिए कितने नेता वता कहां कहां से रिश्ते आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ही कहानी उठा लीजिए, क्या करिएगा उसका। तो जो भी है, तो कहने का मतलब है आम्रपाली का रिश्ता जो था वो बिंबिसार के साथ था और बिंबिसार आम्रपाली से एक पुत्र प्राप्त भी हुआ था जिसका नाम जीवक था, जो चिकित्सक बना, डॉक्टर बना, यही बिंबिसार का पर्सनल डॉक्टर है। और जब गौतम बुद्ध बीमार पड़ेंगे तो बिंबिसार अपना चिकित्सक, अपना डॉक्टर गौतम बुद्ध के इलाज के लिए भेजेगा और 6 महीने रह के उनको बीमारी से मुक्त करके आएगा। और आपके लिए सवाल करेगा, जीवक किसके दरबार का चिकित्सक था? बिंबिसार। गौतम बुद्ध जब बीमार पड़े थे तो उसकी चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा? जीवक को भेजा। गौतम बुद्ध की चिकित्सा इनमें से किसने की थी? जीवक ने की थी। और हमने आपको एक पर्सनल बात बता दी कि जीवक किसका बेटा था? आम्रपाली और बिंबिसार से उत्पन्न बेटा था जीवक। तो याद रखिए कहानी इतिहास में सब कुछ चलता है, पर हमें देखना क्या रिलीवेंट क्या है, आपसे पूछेगा क्या। तो यहां तक आप समझ गए, बिंबिसार को यहीं पर फिनिश्ड कर दीजिए। बिंबिसार के बाद बात करें अजात शत्रु की। ठीक है, अब अजात शत्रु के ऊपर अब किंग नंबर 2 है जिसका नाम है अजात शत्रु, इसी को आप कहते हैं अजात या अज्ञात, एक ही बात है, अज्ञात शत्रु, ये ध्यान में रखना, एक ही बात। कब से कब है तो ये 493 बीसी से 461 बीसी के बीच। अजात शत्रु को आपने एक नाम क्या दिया? पितृहंता। ठीक है, वन हु किल्ड फादर नोन पेट्रैचल, इंग्लिश में पेट्रैचल, हिंदी में पितृहंता। एक तो पितृहंता है, दूसरा देखते हैं यानी सैनिक छावनी की स्थापना करेगा पाटलीग्राम, और ये पाटलीग्राम कहां पे था बेटा? तो पटना, बैंक ऑफ गंगा। दूसरा, मर्ज्ड काशी इन मगध, तो मर्ज्ड काशी इन मगध, और मगध में काशी को मिला लिया, दहेज के तौर पे मिला था, इसके बाप को भी मिला, फिर इसको भी मिला, याद रखिए। अब अगला है विक्ट्री ऑन वज्जी संघ, और वज्जी संघ को ही आप कहते हैं लिच्छवी गणराज। तो कैसे? 16 years
टेकिंग टाइम। विद हेल्प ऑफ स्पाई वशिष्कर एंड मिनिस्टर शुभध्रु यूज टू न्यूली डेवलप्ड weapons महाशिला कंटक और रथ मोशन। महाशिला कंटक पत्थर फेंकता था और कंटक यानी चाकू, बताया था ना भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली, तो ये यूज किया। ठीक है, अजात शत्रु का डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 बीसी सो ही हेल्ड फर्स्ट बौद्ध संगति एट सप्तपर्णी केव राजगृह। दिख रहा है ना, एक लाइन चल जाएगा, राजगीर इन 483 बीसी मेरे ख्याल से चल जाएगा। हाँ, ये ध्यान में रखना है। तो अजात शत्रु के लिए ये, अब अजात शत्रु ने सलाह लिया था ना लिच्छवी के मामले में गौतम बुद्ध से, वो माइंड में रखिएगा, सवाल आता है थोड़ा लेवल बढ़ने पर। तो लिच्छवियों पर हमला करने के लिए अजात शत्रु ने गौतम बुद्ध से जाके मिले और सलाह लिए, तो ये याद रखना है। तो अजात शत्रु, अब बात करते हैं उदाइम की, इसको पेन डाउन कर लीजिए। और जैसे बेटा ज्यादा देर छोड़ दूंगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगी, तो कभी भी जब आप नोट करना चाहते हैं तो जब आप रिकॉर्ड में वीडियो दे, जब रिकॉर्ड भी सारा है, एक साल तक रहेगा, वीडियो देखेंगे तो आप पॉज कर लीजिएगा, तो ये आपके सामने में आ जाएगा। इसी से के लिए हम कभी कभी बोर्ड से हट जाते हैं, ताकि जब कभी इस बोर्ड पर लिखी हुई इंपॉर्टेंट चीज को लिखना चाहेंगे तो पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो अगर मैं यहां रह जाऊंगा तो अधूरा रहेगा। तो प्लीज इसको देख लीजिए, 10 सेकंड देख लीजिए और फिर मैं उदाइम की बात करता हूं। ठीक है, चलो। तो अजात शत्रु के लिए ये बात हुई, तीसरा जो है वो है उदाइम, नॉट उदय, उदाइम थर्ड किंग है, ये रूल करेगा। अब इसकी जो रूलिंग सिस्टम में अगर देखते हैं हम, तो इसका क्या है, 461 से लेकर 445 तक रूल करता है, 461 बीसी टू 445 बीसी तक 445 तक रूल करेगा। उदाइम क्या करेगा, तो उसने एक कैपिटल डेवलप किया पाटलिपुत्रा, ये इसके खाते का हॉट क्वेश्चन होता है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बसाया, किसने डेवलप किया, तो ये चीज है, पाटलीग्राम से ये डेवलप कर दिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ही टू
killed his father Ajat Shatru. So, yeah, hence. ठीक है, हैंस हरियक डायनेस्टी कंसीडर पित्र हंता डायनेस्टी. तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा बेटा बाप को मार रहा है. चौथा कौन हुआ, बताया था अनिरुद्ध. पांचवा कौन हुआ, बताया ही था, जिसको कहा था मुंड. और छठा जो हुआ नाग दशक, जो 412 बीसी के पास है लास्ट. तो हरियक डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन हो गया, नाग दशक. ये ध्यान में रखना. अब हम आ जाएं तो ये एक लाइन खींच दिया और आ गए अब शिशुनाग वंश. और इसकी टाइमिंग देखते हैं 412 बीसी से लेकर के 412 बीसी से लेकर के आपका आ जाता है 344 बीसी, जो है शिशुनाग. इसका समय 412 बीसी से 394 बीसी है. और ये फाउंडर है, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी. कहने का मतलब है शिशुनाग वंश का ये फाउंडर है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है शिशुनाग के. तो शिशुनाग फाउंडर है, ठीक है. अब कैपिटल कहां लेगा, वैशाली. ही वॉज अमात्य यानी मिनिस्टर ब्राह्मिन ऑफ वैशाली. ठीक है, याद रखिएगा. वो किल्ड टू नाग दशक. ठीक है, कैपिटल. अब ये कैपिटल कहां लेके आ गया, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसने कैप्टन बना दिया एट वैशाली. एक कैपिटल वैशाली बनाया और दूसरा कैपिटल सेकेंड गिरिव्रज यानी राजगीर. तो दो वैशाली बना दिया, याद रखिएगा. तो वैशाली एज ए कैपिटल कौन बनाया, ये बना. तो ये चीज. अब इसका बेटा आएगा कौन, कालाशोक. तो हम बेटा कालाशोक के लिए बात करेंगे. हरियक तो गया, अब जो इस वंश का सेकेंड है वो है आपका कालाशोक का. कालाशोक का शासन कब से है, तो वो देखते हैं 461 से लेकर के, ठीक है, नहीं 493 से लेकर 61 का हिसाब देखिए 66, तो 394 से 366 हो जाएगा. 394 बीसी टू 366 बीसी, ये टाइम. अब ये कैपिटल का क्या करेगा, ये कैपिटल क्या करेगा, एक तो पाटलिपुत्र लेके चला जाएगा एंड वैशाली, दोनों है फर्स्ट और ये सेकेंड कैपिटल. ठीक है,
तो याद रखना है वैश्य कैपिटल को चेंज कर दिया। और क्या किया? सेकेंड, बौद्ध धर्म संगति, हेल्ड एट वैशाली 383 BC। तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया? तो इस कालाशोक ने किया। और वत्स वगैरह राज सब कुछ मिलाया तो कोई बड़ा सवाल आपके लिए नहीं बनेगा, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसमें जो है तीसरे के तौर पे ले रहे हैं एज ए लास्ट किंग, कौन था? नंदी वर्धन। और नंदी वर्धन जो है कब तक रुक रहा है? टिल 344 BC। ही किल्ड बाय महा पदम नंदा टू बिकम नेक्स्ट किंग। तो ये याद रखना है बेटा, महापदम नंद के हाथों मारा जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे अगला डायनेस्टी। तो शिशुनाग के लिए, कालाशोक के लिए या अब जो है बेटा थर्ड डायनेस्टी की बात करें। थर्ड डायनेस्टी में आता है आपका नंदा डायनेस्टी 344 BC to 322 BC। Nine kings in 22 years. One father, rest of his 8 sons. अगर इसको हम ऐसे देखें बेटा तो क्या देख रहे हैं? नंद डायनेस्टी 344 से 322, 22 वर्ष का शासन है, 9 राजा हैं, 22 वर्ष शासन करता है, 1 पिता है और उसके बाद उसके 8 बेटे आपस में शासन करते हैं। तो बात हुआ फाउंडर, फाउंडर का देखेंगे कौन है, ध्यान दें। फाउंडर में आता है जो फर्स्ट किंग है उसकी बात करें तो पहला है महापदम नंदा जो 344 BC ऑनवर्ड्स है, यही है फाउंडर ठीक है। ओके तो आज के लिए इतना रखिए, कल आगे बढ़ेंगे। ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे।